सभी को नमस्ते। हमारा ये टॉपिक चल रहा था थर्ड, हेल्थ रिलेटेड कैरियर। हेल्थ रिलेटेड कैरियर क्या है? आप सभी जानते हैं कि आज के युग में सभी स्पोर्ट्स पर्सन हो या कोई व्यक्ति हो या कोई भी हो, सभी फिट एंड फाइन रहना चाहते हैं। और ये फिट एंड फाइन कैसे रहेंगे? फिट एंड फाइन जिसे स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन कर लिया, रनिंग करी, जॉगिंग करी, इसके लिए बहुत सारे क्लब भी होते हैं, जिससे मालिश कराना, मसाज कराना, स्टीम रूम होते हैं, ठीक है, स्विमिंग पूल होते हैं, उनके अकॉर्डिंग स्विमिंग करते हैं, टेनिस खेलते हैं, जिससे कि वो स्वस्थ रहें और बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिनसे वो दूर रहें, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, हृदय के रोग होते हैं, है ओबेसिटी होती है, शुगर होता है। इन सभी बीमारियों को दूर करने के लिए हमें फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी पड़ती है तभी हम स्वस्थ और फिट एंड फाइन रह सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड कैरियर। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड कैरियर है जो हमारे प्रशासन से संबंधित होते हैं। प्रशासन से संबंधित इन द सेंस, जो हमें विद्यालय विश्वविद्यालयों में जो हम जैसे जॉब करते हैं उसमें, देखो सब में ही होते हैं उस कैरियर में, जैसे कि पीजी कॉलेज हो गए, पीजी डिग्री कॉलेज हो गए, इन सब में प्रशासन के द्वारा जो शारीरिक क्रियाएं कराई जाती हैं, जो शारीरिक टीचर रखे जाते हैं, जैसे स्पोर्ट्स क्लब हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, इंडस्ट्री रिलेटेड, ये सभी जितने भी हैं सब किस में आएंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड कैरियर में। अब आप देखिए इसमें सबसे पहले आता है डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन में वे व्यक्ति उसके हेड बनते हैं जो अपने या तो सबसे बहुत पुराने टीचर होते हैं जिनके गेम के बारे में बहुत नॉलेज होती है, वही अपने अपने स्कूल के अंदर इंटर मोरल, एक्स्ट्रा मोरल जितनी भी एक्टिविटी होती है उसके हेड बनते हैं। वो हेड बनने के बाद में फिर वो ये डिसाइड करते हैं कि किसको किसको हमें चेयरमैन बनाना है, किसको किसको उससे पद के नीचे रखना है, किसको क्या पोस्ट देनी है, ये सब वही डिसाइड करते हैं, जिससे कि कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी या कोई भी स्पोर्ट्स अच्छे से खिलाया जा सके। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट इसके नीचे आता है। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पहले है डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन, ये होता है इससे बड़ा, इससे नीचे छोटा होता है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, जिसमें सारे स्पोर्ट्स कराए जाते हैं, जैसे कि खेल निर्देशक हो गए, खेल कूद हो गए, किसी मान लीजिए किसी भी हमारे विद्यालय में अगर कोई भी स्पोर्ट्स हो रहा है तो उसको स्पोर्ट्स को कराने के लिए किस की ज़रूरत पड़ेगी, कौन 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 उच्चतर अधिकारी होगा, कोई कौन उससे नीचे होगा, कौन स्पोर्ट्स कराएगा, कौन ऑफिशियल्स होंगे, कितने क्या होंगे, ये सारे हमारा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट देखता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल रिक्रिएशनल, ये है औद्योगिक। आप सभी जानते हैं कि कंपनियां होती हैं बहुत सारी कंपनियां होती हैं जिसमें जो कर्मचारी होते हैं वो काम करते हैं कंपनियों में, तो उनके मनोरंजन के लिए जो फिज़िकल एक्टिविटी या फिज़िकल ट्रेनर रखे जाते हैं उनके किसके रिक्रिएशनल के लिए, उनके मनोरंजन के लिए, ठीक है, जिससे कि वो खेल में भी भाग लें, वो खुश रहें और अच्छे से काम करें, हस्त पुष्ट रहें, किसी भी कार्य को करने में उन्हें कोई परेशानी ना हो, ये सब किस में आएगा? इंडस्ट्रियल रिक्रिएशनल, ये हो गया औद्योगिक मनोरंजन। नेक्स्ट है हमारा स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट। हाँ, स्पोर्ट्स खेल सुविधाओं का प्रबंध। आप ये बताइए कि जब तक हमारे खेल की सुविधाएं जैसे फैसिलिटीज़ होती हैं, हमारे स्कूल में अगर स्विमिंग पूल नहीं होगा, हमारे स्कूल में हॉकी बॉल ये वॉलीबॉल वगैरह ये सब इक्विपमेंट वगैरह नहीं होंगे, तो हम कैसे किसी भी स्पोर्ट्स को करा सकते हैं? तो इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट की, ठीक है, जो ये सारी चीज़ हमें अरेंज कराती है, ठीक है। ये उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि अगर कोई भी स्पोर्ट्स या कुछ भी हो रहा है, अब मान लीजिए हमारे स्कूल में अगर बास्केटबॉल की प्रतियोगिता हो रही है, फुटबॉल की प्रतियोगिता हो रही है, तो उसके लिए बॉल फील्ड इस सब का अरेंजमेंट कौन करेगी? स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे परफॉर्मेंस रिलेटेड कैरियर। अब परफॉर्मेंस रिलेटेड कैरियर, परफॉर्मेंस से ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि किससे होगी परफॉर्मेंस, किसकी अच्छी होती है? प्लेयर की।
प्लेयर की अच्छी होती है ना, तो पहले ये वो एज ए प्लेयर जितने भी कैरियर हम स्टार्ट करते हैं, जब तक हम अच्छे नहीं खेलेंगे किसी भी स्पोर्ट्स में, हम अच्छे नहीं होंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, कोई भी कैरियर जितना भी होता है, जैसे कि अब कोई भी खिलाड़ी है वो 10 साल तक खेल सकता है, लेकिन 10 साल खेलने के बाद उसको वो क्या करेगा, क्या करेगा वो? कुछ नहीं, वो कुछ नहीं क्या करेगा वो? ये करेगा कि वो उससे जो भी गेम उसने पकड़ा है वो उस गेम में आगे चल के ऑफिशियल बने, टीचर बने, वो बच्चों को कुछ सिखा पाए, कुछ कर सके, वो जो उसने अपने अपने लिए किया है वो दूसरों के लिए उससे ज़्यादा करे। ठीक है, जैसे कि ये एज ए प्लेयर वही 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 बच्चे जाते हैं जो स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, ऑल इंडिया, इंडिया लेबर पर जितने भी जाते हैं, जितने भी स्तर पर जाते हैं बच्चे, वही आगे बढ़ते हैं, वही अपनी एक स्थिति कायम करते हैं, और उसके बाद वही वही बच्चे, क्योंकि अब आजकल जो हो गया है ना, वो जो अच्छे प्लेयर होते हैं जो बाहर जाते हैं, जैसे ओलंपिक में भाग लेते हैं या फिर ऑल इंडिया खेलते हैं, इनमें जो भी पार्टिसिपेट करता है सबसे पहले जॉब उन्हीं बच्चों को मिलती है। ठीक है, आपको सब आई होप सबको समझ में आ गया ऑफिशियल। फिर वो बच्चे ही आगे आगे बन के एज ए ऑफिशियल बनते हैं। आप कोई भी आप कोई टूर्नामेंट करा रहे हो तो उसको अच्छा कराने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, वो अच्छे से हो जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम या कुछ भी ना आए, तो इसके लिए ऑफिशियल्स होते हैं। ये ऑफिशियल्स कौन बनते हैं, कौन बनते हैं ये ऑफिशियल्स? प्लेयर्स ही तो बनते हैं, क्योंकि प्लेयर जो अच्छा प्लेयर होगा वही तो ऑफिशियल बनेगा, उसी को ही रूल रेगुलेशन के बारे में पता होगा, क्योंकि वो 10 साल खेल चुका है तो वो अच्छे से ऑफिशिएटिंग करेगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरियर कम्युनिकेशन मीडिया। ठीक है, आप कैरियर है हमारा मीडिया से, मीडिया के बारे में आप सभी जानते हैं। अगर कोई भी हमने कोई भी स्पोर्ट्स या कोई भी मैगज़ीन या कुछ भी हमें छपवाना है या कुछ भी बताना है, न्यूज़पेपर में भी आना है, तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें? मीडिया की। क्योंकि जब तक मीडिया से कम्युनिकेशन नहीं होगा तब तक क्या होगा? तब तक कोई भी स्पोर्ट्स की जानकारी हम कैसे दे पाएंगे? वो हमें किसके थ्रू देनी है? मीडिया के थ्रू। तो इसमें आएगा पहले खेल पत्रिका। आप सभी जानते हैं कि खेल 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 में रुचि जिन भी बच्चों की होती है, कुछ बच्चों की होती है कि वो उनको ना लिखने का शौक़ होता है। ठीक है, और किसी को लिखने का शौक़ होता है, किसी को पढ़ने का शौक़ होता है, किसी को फ़ोटोग्राफी करने का शौक़ होता है, किसी को बुक बुक किसी भी व्यक्ति के चरित्र के बारे में पूरा अच्छे से बुक लिखने का मन होता है, किसी की मार्केटिंग करने का मन होता है। ये सब किस में आएगा? ये सब आएगा हमारा कैरियर इन कम्युनिकेशन मीडिया में। ठीक है, ये वो बच्चे करते हैं जो जिनका इंटरेस्ट जिसमें होता है, जो जर्नलिज्म बनना चाहते हैं वो जर्नलिज्म बनते हैं, जो जिनकी जिनका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में होता है, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी में होता है वो फोटोग्राफी में करते हैं, जिसका बुक राइटिंग में होता है वो बुक राइटिंग में करते हैं, और जिनका जिनका उसमें होता है बुक पब्लिशिंग में वो बुक पब्लिशिंग कराते हैं। ठीक है, धन्यवाद। अब हमारा थर्ड टॉपिक क्लियर हो गया है, धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, धन्यवाद।